बिसमिल्लाम इराहीम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज हम कैमिस्ट्री सेकेंड ईयर में चैप्टर एट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकारबनस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज़ वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन यहाँ पर एक समरी बना दी गई है हाइड्रोकार्बन्स की टू टाइप्स हैं नंबर वन ओपन चेन और एसाइक्लिक और नंबर टू क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन फर्दर टू टाइप्स के हैं एक है सैचुरेटेड और एक है अन सैचुरेटेड में अल्केज आ जाएंगे और अनसेचुरेट में अल्कींस और अलकाइंस सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें तमाम विलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं और अनसेचुरीट वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है यहाँ पर उन्होंने अल्किन और अलकाइन की इग्जाम्पल भी दी है अल्किन की एग्जैम्पल है इथिन अल्काइन की इग्जैम्पल है चेन की भी फर्दर टू टाइप्स हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में रिंग होता है कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ वो रिंग टू का थ्री कार्बन का भी हो सकता है फोर कार्बन का भी फाइव का भी एंड सो ऑन एरोमेटिक में एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद होती है ये बेंजीन रिंग है जिसमें भी बेंजीन रिंग मौजूद होगी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन द नंबर ऑफ सच कंपाउंड इज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन यहाँ पर सैचुरेटिड और अनसेचुरेटेड की डेफिनेशन दी गई है सबसे पहले है सेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन और अल्के इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी इफ़ ऑल ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल आर फुली सैटिस्फाइड एंड दिस कैन नॉट फर्दर टेक एनी मोर हाइड्रोजन एटम देन द हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अलकाइंस अगर कार्बन एटम की सारी विलेंसीज फुलिस हों और वो अपने अंदर फर्दर हाइड्रोजन आइटम को एड ना कर सके तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम सेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन कहते हैं द कम्पाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फोर वेलेंसीज ऑफ कार्बन आर नाट यूटिलाईज एंड देर आर डबल्ड अनसेड हाइड्रोकार्बन अनसे हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की सारी वेलेंसी फुली सैटिस्फाइड ना हों फुली यूटिलाइज ना हों और उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसे हम अनसेचुरेट हाइड्रोकारबन्स कहते हैं अगर तो डबल बॉन्ड मौजूद हो तो अल्किस कहेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उसको अलकाइन कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक है नॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम नेम कैसे रख सकते हैं सबसे पहला है कॉमन नेम्स इन द अर्ली डेज द कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री अर्ली डेज में हम कंपाउंड्स का नेम उनकी हिस्ट्री की बुनियाद पर रखते थे फॉर एग्जाम्पल द मार्श गैस मिथेन बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी प्लेसि मिथेन को मार्श गैस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मार्शी प्लेस से मिली थी एसटी एसिड डिराइव इट्स नेम फ्राम विनीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वर नेम्ब आफ्टर अ परसन लाइक बारबी ट्यूरिक एसिड आफ्टर बारबरा पर्सन के नेम की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिया गया स्टूडेंट्स नॉमिन क्लेचे वाले टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम इस पेज पर कुछ एमसीयज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं इफ़ ऑल द दिल ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल आर सेटिस्फाइड एंड दिस कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन आइटम्स दैन द हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दम्पाउंड ऑफ इन ऑल द फोर बेलेंसिज ऑफ कार्बन आर नॉट फुली यूटिलाइज And they contain either a double or triple bond. Such compounds are called unsaturated hydrocarbons. Those unsaturated hydrocarbons which contain a double bond are called alkenes. The name marsh gas was given to methane because it was found in marshy places. Estic acid derives its name from vinegar. Acetum means vinegar. Ye system is manageable. फिर अल्केन्स को नेम देने के लिए रूट वर्ड डिराइव किया गया ग्रीक और लैटिन न्यूमरल से और उनके एंड पे एन ऐड किया गया फॉर एग्जांपल फाइव कार्बन है तो पेंटेन सेवन कार्बन है तो हैप्टेन एंड पे एन आएगा लेकिन शुरू वाला जो वर्ड है वो चेंज हो सकता है अगर फोर कार्बन वाला कंपाउंड था तो ब्यूटेन इस तरह नाम दिए गए द कॉमन और ट्राइवियल नेम आर एप्लीकेबल टू आल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन मॉलिकुलर फार्मूला द प्रिफिको नीओ आर आर हाउ एवर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमर्स जो प्रिफिक्सिस हमारे पास एन है आइसो है नियो है इनको हम किस लिए यूज करते हैं आइसोमर्स को डिफ्रेंशियट करने के लिए फर्स्ट करें आपके पास यहाँ पर भी फोर कार्बन वाला कंपाउंड है ब्यूटेन और ये भी फोर कार्बन वाला कंपाउंड है ब्यूटेन लेकिन जिसमें ट्रेड चेन होगी उसको हम ब्यूटेन बोलेंगे लेकिन जिसमें एक कार्बन साइड पे लगी होगी उसे हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे पेंटेन में जिसमें फाइव कार्बन होती हैं वो ट्रेड चेन में लगे होंगे तो हम उनको एन पेंटेन बोलेंगे एक कार्बन साइड से उतर के सेकेंड वाली कार्बन के साथ जुड़ जाएगी तो हम उसको आइसो पेंटेन बोलेंगे और थर्ड वाली कार्बन भी जब और एक और कार्बन जब हम यहाँ से उतार कर यहाँ लगा देंगे और एक और कार्बन जब ब्रांच की फार्म में आ जाएगी तो हम उसको फिर नियोपेंटेन बोलेंगे ये भी पेंटेन है इसमें भी फाइव कार्बन है ये भी पेंटेन है इसमें भी फाइव कार्बन है और ये भी पेंटेन है इसमें भी फाइव कार्बन है इसमें एन पेंटेन में भी ट्वेल्व हाइड्रोजन है पेंटेन में भी ट्वेल्व हाइड्रोजन है और नियोपेंटेन में भी ट्वेल्व हाइड्रोजन है तो इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और स्ट्रक्चरल फार्मूला के ये जो प्रिफिक्स हैं ये आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रीफिक्स सिर्फ लिमिटेड आइसोमर्स के लिए यूजेबल थे लेकिन जब कम्प्लेक्स मालिक्यूल आ गए तो ये वाला भी तो ये सिस्टम भी एप्लीकेबल प्रिफिक्सिस सिर्फ लिमिटेड आइसोमर्स में यूज़ होते हैं लेकिन जब कम्प्लेक्स आइसोमर्स या कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स आ जाते हैं फिर ये सिस्टम काम नहीं करता इसी तरह अल्कन और अलकाइन में अल्कन के एंड पर ए एन ई की बजाय हम वाई एल ई एन ई यूज़ करेंगे अगर तो उसमें डबल बॉन्ड है तो हम उसको इथेन की बजाय इथाइलिन बोलेंगे तीन कार्बन वाला कंपाउंड है तो हम उसको प्रोपेन की बजाय प्रोपाइलिन बोलेंगे और चार कार्बन वाला कंपाउंड है तो हम उसको ब्यूटेन की बजाय आइसो ब्यूटाइलिन बोलेंगे आइसो इसलिए है कि क्योंकि एक कार्बन सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच है इसी तरह हम डिफरेंट कंपाउंड्स को नेम्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और नॉर्मन क्लेचर में कॉमन और ट्राइवियल नेम्स को डिटेल से डिस्कस किया हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफि